अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें बाजार मूल्य पर खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप के सीधे व्हाट्सएप से करें संपर्क, सामान का लिस्ट या फोटो खींचकर भेजें, कराएं बुकिंग। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, ए अफ्रीका, बी अमेरिका, सी श्रीलंका या डी बांग्लादेश। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ध्यान दें, वैसे प्रतिभागी जिन्होंने दिसंबर माह में प्रतियोगिता में भाग लिया था, वे अपना स्क्रीनशॉट 97098-94194 पर भेजकर अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन के पश्चात आपको बुलाकर उपहार प्रदान किया जाएगा। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे जीएस न्यूज चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत। भागलपुर, नए डीएम सुब्रत सेन ने किया पदभार ग्रहण, मंगलमय मुखी सदा सुखी। को चरितार्थ करते हुए भागलपुर के नए डीएम सुब्रत सेन ने पदभार ग्रहण किया है। निवर्तमान जिलाधिकारी प्रणव कुमार ने नए डीएम सुब्रत सेन को अपना पदभार दिया। नए जिलाधिकारी के पदभार ग्रहण के वक्त जिले के सभी डिप्टी कलेक्टर और विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। डीएम कार्यालय पहुंचने पर जिला पुलिस के जवानों ने नए डीएम को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। बताते चलें कि भागलपुर के निवर्तमान डीएम प्रणव कुमार का तबादला मुजफ्फरपुर हो चुका है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821। भागलपुर की नई एसएसपी नीताशा गुड़िया ने किया पदभार ग्रहण। भागलपुर की नई एसएसपी नीताशा गुड़िया ने अपना पदभार ग्रहण किया। सबसे पहले वो एसएसपी कार्यालय पहुंची जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पदभार ग्रहण करते ही एसएसपी ने जाम का निपटारा और साइबर अपराध पर नियंत्रण करना प्राथमिकता बताया। फिलहाल उन्होंने कहा कि यहां के हर चीज को समझना होगा, जायजा लेकर कार्य योजना तैयार की जाएगी। स्वयं अभी जो है 3 महीना में आर्थिक अपराध इकाई पटना में रही हूँ, ठीक है। तो उसमें साइबर क्राइम को लेकर के काफी कदम उठाए गए उसकी रोकथाम के लिए। एक सबसे बड़ा कदम उठाया गया CCSMU टीम्स जो गठित की गई प्रत्येक जिला में, अभी उसका भी मैं अवलोकन करूंगी कि वो कितना अभी किस प्रकार से वो कार्य कर रहा है और उसमें क्या हम सुधार कर सकते हैं।
बट सीसीएसएनयू को गठन ही इसी उद्देश्य से किया गया है कि साइबर क्राइम की रोकथाम कर सके। और जैसा कि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम एक बहुत बड़ी चुनौती तो है ही, साथ ही में उसको टैकल करना भी कोई आसान नहीं है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टिगेशन में और उसके डिटेक्शन में काफी समय लगता है, क्योंकि वो अपराधी आपका ना इस जिले का होगा ना अगल बगल के जिला होगा, पता चले दूसरे राज्य में बैठा गया है, तो यही होता है कि उसमें समय लगता है इन्वेस्टिगेशन में। लेकिन अगर प्रॉपरली उसको किया जाए, समय लगता है लेकिन उसका बिल्कुल हम लोग उसको डिटेक्ट करने में भी सक्षम है। लेकिन मेन ये हमारा है कि विजिबिलिटी ऑफ पुलिस शुड बी माई मेन फोकस, कि पुलिस का विजिबिलिटी होना चाहिए, गश्ती हमारी प्रॉपर होनी चाहिए, क्योंकि काफी चीजें होती हैं कि जैसे आम जनता ही है, सड़क पर निकल जाइए, मान लीजिए कोई विवाद ही हो गया, लेकिन पुलिस को आदमी देख लेता है तो अपने आप थोड़ा सा सहम जाता है। तो इस पर मेन फोकस रहेगा। अपराध नियंत्रण तो डेफिनेटली वो तो ही हमारा प्राथमिकता है ही, और साथ में जो हमेशा से मैंने कहा एक ट्रैफिक है, तो वो एक ऐसी चीज है कि वो पुलिस अकेले मिलकर नहीं कर सकती है जब तक उसमें जन सहयोग नहीं होगा। तो मेरा तो यही है कि मैं कम्युनिटी पुलिसिंग में बहुत विश्वास रखती हूँ, ये है। तो कम्युनिटी पुलिसिंग करते हुए मेरी उम्मीद है कि आपके जिला में हम लोग अच्छा काम कर सके मेरे नेतृत्व में, और साथ में यहाँ की टीम पुलिस की बहुत अच्छी है, तो इसी प्रकार से हम लोग आगे काम करेंगे और हम लोग मिलते जुलते रहेंगे। ठीक है, बोले भाजपा के प्रत्याशी रहे रोहित पांडे। गोपाल मंडल उनके बड़े भाई सुर्खियों में बने रहने के लिए अपनाते हैं तरह तरह का हथकंडा। इन दिनों भागलपुर के गोपालपुर विधानसभा से जदयू विधायक नरेंद्र कुमार नीरज और गोपाल मंडल के विवादित बयान के बाद एनडीए गठबंधन में भाजपा और जदयू के बीच रिश्ता तल्ख होते जा रहा है। जदयू विधायक के द्वारा भागलपुर से बिहार विधानसभा 2020 में भाजपा के प्रत्याशी रोहित पांडे के चुनाव हारने को लेकर रोहित पांडे के द्वारा उन्हें नमस्कार नहीं करना और दबंग नहीं होने को जिम्मेदार बताया गया था। वहीं इस बाबत भाजपा के प्रत्याशी रहे रोहित पांडे ने कहा कि गोपाल मंडल उनके बड़े भाई के समान है और वे सुर्खियों में बने रहने के लिए तरह तरह का हथकंडा अपनाते हैं, क्योंकि उनके द्वारा कभी भी कोई सकारात्मक कार्य नहीं किया जाता है। साथ ही रोहित पांडे ने कहा कि भाजपा के प्रत्याशी संगठन के बलबूते पर समाज में अच्छा कार्य कर ऊंचाइयों को छूते हैं। इस दौरान रोहित पांडे ने कहा कि नाथनगर सीट हारने के लिए जदयू विधायक के द्वारा पार्टी हाईकमान की नीतियों पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो उनकी मानसिकता दर्शाती है। जदयू के विधायक गोपाल मंडल का आपके खिलाफ बयान आया, अनाप शनाप बके जा रहे हैं, वो क्या कहना है इस पर? देखिए, उस पर हम क्या कहेंगे, जब जदयू के विधायक स्वयं अपने दल के मुखिया और मुख्यमंत्री पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं कि हम नाथनगर सीट आलाकमान के कारण हारे या अन्य जो भी विषय है, तो ऐसे लोगों पर हमारा टिप्पणी करना कोई हम ऐसे वह हमारे बड़े भाई की तरह हैं, उम्र में भी हमसे बड़े हैं और अनुभव में भी हमसे बड़े हैं और हमारे गठबंधन के विधायक हैं, तो इस नाते इस पर टिप्पणी करना हमारा कोई ठीक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार उनका बयान है, निश्चित रूप से उनका तो बराबर जो बयान आते रहता है, तो इसी प्रकार चूंकि ऐसे जो नेता हैं वह सकारात्मक काम के बल पर चर्चा में रहते नहीं हैं, तो वह कैसे हम चर्चा में बने रहें? तो आप देखते होंगे कि हाल के दिनों में जो उनका वीडियो आया या जो भी ये विषय है, इसलिए इस पर कोई टिप्पणी करना या व्यक्तिगत उनका अपना मत है तो ठीक है। लेकिन एक मैं बात कह देना चाहता हूँ कि जो भी लोग ये मसल्स और इसकी बात करते हैं, एक तो भारतीय जनता पार्टी इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के बल पर समाज के अंदर जाती है, चुनाव में जाती है, और संगठन और मतदाता इनके बीच सेवा, प्रेम और समर्पण इन सेतु के साथ काम करती है और इसी विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जिनको इस प्रकार की चीज़ें अच्छी लगती है कि मसल्स के बल पर ये सब ये करते हैं, तो वो अपनी करें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो है ये कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और यहाँ चुनाव कोई व्यक्ति नहीं लड़ता है, यहाँ चुनाव पार्टी लड़ती है, कार्यकर्ता लड़ते हैं और पार्टी।
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारें। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। भागलपुर वकील ने महिला डॉक्टर से मांगी 50 लाख की रंगदारी। भागलपुर महिला डॉक्टर संगीता मेहता ने अपने पड़ोस में रहने वाले अधिवक्ता राजीव कुमार सिंह पर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आदमपुर थाने में केस दर्ज कराया है। वहीं डॉक्टर संगीता मेहता ने बताया कि राजीव कुमार सिंह अधिवक्ता होने का गलत फायदा उठा रहे हैं और 5 माह से हम लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। वहीं वे जान मारने की धमकी भी दे रहे हैं। वहीं डॉक्टर ने कहा कि हम लोग इन अपराधी तत्वों लोगों से परेशान होकर वरीय पुलिस अधिकारी से अपने परिवार और जान माल की सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। कारण ये था कि उन्होंने वो 5 माह से हमें परेशान करके हमारे चारों तरफ से घेराबंदी करके हमसे रंगदारी वसूलना चाहते हैं, जान की धमकी दे रहे हैं। बहुत तरह से 5 महीने से हम लोग परेशान हैं। बहुत तरह का उन्होंने मेरे ऊपर एलिगेशन लगा के बहुत तरह से मेरे को टाइट किया है। आखिर मामला क्या था, क्यों आपके ऊपर रंगदारी मांगने का कारण क्या था? कुछ तो कारण होगा। रंगदारी मांगने का कारण क्या होता है सर? रंगदारी मतलब रंगदारी होता है, उनको पैसा चाहिए। कितने कौन कौन से लोग थे नामजद? हम तो हमने FIR में दिया है। किनका नाम दिया? ये राजीव कुमार सिंह जो वकील हैं उनका नाम दिया है, उनके साथ रोशन सिंह आए थे, उनके साथ अंकित सिंह थे और उनके साथ रमन झा। ये 4 आदमी को तो हम लोग पहचान रहे हैं। और बाहर में खड़े थे राहुल चौहान, जो बाहर में 12-15 लोग थे। मेरे पति को बंधक बना के 1 से 1.5 घंटा तक उन्होंने प्रताड़ित किया है। इसकी सारी सूचना सारे प्रशासनिक विभाग में दी हुई है, हम लोग के द्वारा हर चीज़ हो चुका है। नई SP आए हैं, क्या उम्मीद रखती हैं जो महिलाएं हैं? आप भी एक महिला हैं। नहीं SPI, मैं तो उनसे चाहूंगी और उम्मीद भी यही रखती हूँ कि वो न्याय दिलवाएंगे मुझे, तभी तो समाज में आदमी स्वच्छ रूप से चल सकेगा। अभी जीने का ही अधिकार नहीं मिल रहा है तो क्या करें? जो मौलिक अधिकार है हमारा, हम स्वस्थ रूप से रह नहीं सकते। तो इस चीज के लिए क्या आप बहुत डरी हुई हैं? बिल्कुल डरे हुए हैं, हमारे जान को खतरा है। हमने बार बार गुहार लगाई है, हंसे गुहार लगाई है, हमारे जान को खतरा है। 31 जुलाई को लगभग 12 से 15 आदमी व्यक्ति मेरे क्लिनिक में, उसमें कोरोना का टाइम था जो कि रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट पब्लिक का था, मेरे यहाँ भी इमरजेंसी केसेस सिर्फ हो रहे थे, वो लोग 4 लोग जो है घुसे और जो है उसमें सभी जो है धमकी देने लगे, खासकर राजीव वकील राजीव कुमार सिंह और रोशन सिंह कि डॉक्टर साहब आपको जो है गुंडई करते हैं, तो हम लोग इसी के लिए आए हैं, आप गुंडागर्दी बंद कीजिए, उल्टे मुझे प्रताड़ना धमकी देने लगे, आपका क्लिनिक हम बंद करवा देंगे, नगर निगम के वकील हैं, आपका बिल्डिंग तोड़वा देंगे, अवैध निर्माण घोषित करवा देंगे, कल ही कड़ी गिरवा देंगे, और जो हम लोग को बहुत पैसा आपके पास खर्चा पानी हम लोग को दीजिए, इस तरह की रंगदारी। आपके साथ अभद्रता भी कुछ किया? अधिवक्ता ही बोल रहा था। अभद्रता यानी गाली गलौज? हाँ, गाली गलौज किया और हाथापाई करने की कोशिश की गुस्से के साथ, हम पहचानते नहीं है, कुर्सी मंगवाइए बैठेंगे हम लोग, उस तरह की अभद्रता और धमकी दिया। ठीक, क्या नाम है सर? मेरा डॉक्टर मुकेश बिहारी। भागलपुर में पॉक्सो एक्ट के गैंग रेप के दोषी को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई। भागलपुर में पॉक्सो एक्ट ने गैंग रेप के दोषी 2 युवकों को उम्र कैद और अर्थदंड की सजा सुनाई है। पॉक्सो एक्ट में अंतर्गत कोर्ट में ADJ 6 रोहित शंकर के द्वारा सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजन शंकर जयकिशन मंडल ने बताया कि सबौर थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था और आरोपियों के द्वारा नाबालिग का वीडियो बना लिया गया था। सर कहाँ से बोलिए?
आज पॉक्सो न्यायालय में सिक्स डीजे सर के यहाँ सजा के बिंदु पर थी। जो FIR सबौर थाना में हुआ था 11/10/17 को एक बच्ची जो है सुसाइड कर ली थी। उसका कारण था कि उसे दो लड़का वो मोटरसाइकिल पर बैठा करके कोई अर्धनिर्मित मकान था तिलका मांझी में वहाँ लाके उसके साथ रेप किया था और उसका बारी बारी से वो वीडियो भी बनाया था और उसको धमकी दिया था कि अगर तुम कहीं कुछ बताओगी तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। इस कारण वो बच्ची वो घर पर तो जा करके वो सुसाइड कर ली थी। उसी केस में 21/12/2020 को दो अभियुक्त को दोषी पाया गया था पॉक्सो की धारा में और 336 में भी उसे आज सजा के बिंदु पर थी, जिसमें दोनों अभियुक्त को इसमें आजीवन कारावास की सजा हुई है और दोनों को 25,000 रुपया दंड भी लगाया गया है जो विक्टिम को पे किया गया है और 5,00,000 रुपया मृतक के परिवार को माँ और पिताजी के नाम से सरकार की ओर से देने के लिए आदेश दिया गया। मैं शंकर जैक्सन मंडल अभियुक्त का नाम क्या है? एक अभियुक्त मृत्युंजय कुमार, दूसरा रोहित कुमार उर्फ विश्वजीत भारद्वाज। कौन थाना क्षेत्र में मामला था? सबौर थाना। घटना का रहने वाला? नहीं, एक था प्रवक्ता का रहने वाला। घटना की तारीख? 11/10/17 को ये FIR हुआ। घटना हुआ था 9/10/17 को। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। नवगछिया SDPO ने थाना अध्यक्ष के साथ की मासिक अपराध गोष्ठी, दिए निर्देश। नवगछिया SDPO कार्यालय में मंगलवार को SDPO दिलीप कुमार की अध्यक्षता में मासिक अपराध गोष्ठी का आयोजन किया गया। मासिक अपराध गोष्ठी में पुलिस जिले के सभी थाना अध्यक्ष एवं सर्किल के इंस्पेक्टर शामिल हुए। बैठक के दौरान SDPO ने सभी थाने के लंबित मामलों की समीक्षा की एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SDPO दिलीप कुमार ने कहा कि नए SP के योगदान के बाद नवगछिया में बेहतर पुलिसिंग के लिए गाइडलाइन प्राप्त हुए हैं, इसको लेकर थाना अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया है। नवगछिया SP ने नवगछिया सर्किल के विभिन्न थानों का लिया जायजा। नवगछिया के SP सुशांत सिंह सरोज ने मंगलवार की देर शाम नवगछिया सर्किल के सभी थाने का क्रमशः निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद SP ने जानकारी देते हुए बताया कि सभी थाना अध्यक्ष और पुलिस कर्मियों को सख्ती से वाहन चेकिंग करने का निर्देश दिया गया है। रात्रि में गश्त बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि अगर जिन थाना क्षेत्र में बाजार बैंक ATM या फिर कोई महत्वपूर्ण संस्थान हो तो उस पर पुलिस का खासा ध्यान रहे। SP ने थाना अध्यक्षों को निर्देश देते हुए कहा कि जितने भी फरार वारंटी है उसे अवश्य गिरफ्तार कर लें और लंबित मामले को जल्द से जल्द निपटान करें। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। नवगछिया BCA में अव्वल आए छात्र छात्राओं को किया गया सम्मानित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद GB कॉलेज इकाई के द्वारा सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कॉलेज अध्यक्ष अवीश कुमार ने बताया कि पिछले दिन तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय से BCA सेमेस्टर 1 का रिजल्ट घोषित हुआ। गजाधर भगत महाविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है। वहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अनु चौरसिया ने बताया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा कॉलेज टॉप 10 को सम्मानित किया गया है। नवगछिया डॉक्टर वरुण कुमार को नवगछिया PSC प्रभारी पद से हटाए जाने का किया विरोध, आंदोलन की दी चेतावनी। नवगछिया PSC के प्रभारी डॉक्टर वरुण कुमार को मात्र 4 दिनों के अंदर प्रभारी पद से हटाए जाने का विरोध आजाद हिंद मोर्चा के अध्यक्ष राजेंद्र यादव, नवगछिया विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर विपिन यादव, गौतम यादव, डोलबज्जा के समाजसेवी विनीत आनंद, प्रशांत कुमार कन्हैया सहित कई अन्य सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने किया है। इन लोगों का कहना है कि आखिर क्या कारण था कि 4 दिनों के अंदर PSC प्रभारी को हटा दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग इसका जवाब दें, अन्यथा हम लोग उग्र आंदोलन को बाध्य होंगे। नवगछिया अस्पताल माफियों के चंगुल में पूरी तरह से फंस चुका है। जब भी कोई ईमानदार पदाधिकारी आता है तो स्वास्थ्य
माफिया सक्रिय होकर उसे हटाने की साजिश रचता है, जो अपने साजिश में कामयाब हो जाता है, इसलिए अब आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। गोपालपुर के गोसाई गांव के समीप मोटरसाइकिल की आमने सामने की टक्कर में 5 घायल, 4 घायलों की स्थिति गंभीर, मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर। गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाई गांव मोड़ 14 नंबर सड़क पर मंगलवार की दोपहर दो मोटरसाइकिल की आमने सामने की हुई टक्कर में मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में गोपालपुर थाना क्षेत्र के हरनाचक निवासी अमन कुमार, पिता जितेंद्र प्रसाद सिंह, सूरज कुमार, पिता संजीव सिंह, रंगरा उपी क्षेत्र के मुरली निवासी अभिषेक कुमार, पिता अजय कुमार एवं परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर निवासी आयुर्वेद चिकित्सक डॉक्टर वेदानंद, पिता ब्रह्मदेव यादव व झारखंड के गोड्डा जिले के बिरिनिया निवासी रितेश यादव शामिल हैं। दुर्घटना में घायल हुए सभी लोगों का अनुमंडलीय अस्पताल नौगछिया में इलाज किया गया। इलाज के दौरान सूरज को छोड़ सभी चारों घायलों की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं जानकारी के अनुसार सूरज, अमन व अभिषेक एक मोटरसाइकिल पर थे। तीनों अमन के दादा के निधन होने पर अंतिम संस्कार में शामिल होने तिनटेंगा घाट जा रहे थे, जबकि आयुर्वेद चिकित्सक तिनटेंगा से एक मरीज का इलाज करने के बाद वापस जगतपुर लौट रहे थे। इसी क्रम में गोसाई गांव के पास दोनों के मोटरसाइकिल में आमने सामने की टक्कर हो गई और मोटरसाइकिल पर सवार सभी पांचों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। नौगछिया के रुंगटा बालिका उच्च विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक ने संभाला पदभार। इंटर स्तरीय रुंगटा बालिका विद्यालय नौगछिया में डॉक्टर अखिलेश कुमार ने औपचारिक रूप से मंगलवार को प्रधानाचार्य का पदभार ग्रहण किया। डॉक्टर अखिलेश विद्यालय के प्लस टू में वरीय टीचर हैं। डॉक्टर अखिलेश ने बाल मुकुंद चौधरी के जगह पर पद संभाला है। 31 दिसंबर 2020 को अपने पद से श्री बाल मुकुंद चौधरी रिटायर हुए हैं। नौगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नौगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी, नन एसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नौगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। कोमल होटल स्टेशन चौक नवगछिया। नवगछिया का मटन स्पेशलिस्ट, शुद्ध शाकाहारी एवं मांसाहारी भोजन का उत्तम व्यवस्था, मीट मुर्गा मछली अंडा सहित सादा भोजन, रोटी चावल पनीर तड़का दही कोल्ड ड्रिंक ठंडा इत्यादि उपलब्ध है। होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 9934622095। मटन स्पेशलिस्ट नवगछिया का कोमल होटल। गुहान 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 नवगछिया में पहली बार आधुनिक तकनीक से बना एक खूबसूरत कॉफी शॉप एवं रेस्टोरेंट गुहान, गौशाला रोड पोखर के सामने नवगछिया। वेज एवं नॉन वेज दोनों उपलब्ध है। ग्रैंड ओपनिंग 1 जनवरी 2021 से आपकी सेवा में। आइए, आपका स्वागत है। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें। कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी, नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313।
सुंदरम अहुना मटन बिहार का सुप्रसिद्ध एवं पूर्वी चंपारण का नॉन वेज टेस्ट अब आपके शहर नवगछिया के सुंदरम अहुना मटन में। हांडी मटन एवं चिकन के विभिन्न एवं बेहतरीन स्वाद के लिए सुंदरम का तीसरा ब्रांच आपके लिए तैयार है। सुंदरम अहुना मटन नवगछिया स्टेशन चौक राजेंद्र कॉलोनी मोड़ नवगछिया। नव वर्ष 2021 पर अहुना मटन एवं चिकन की खरीदारी पर भारी छूट पाने के लिए जरूर पधारे। संपर्क सूत्र 8603493747। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। खुल गया आवासीय स्कूल ऑफ एक्सलेंस फुलडोभी गेराबाड़ी कटिहार नियर वासंतिक नवरात्र मंदिर राजपूत मंदिर। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित 25 दिसंबर से नामांकन प्रारंभ है। कक्षा प्री नर्सरी से 8वीं तक रहने खाने पढ़ने सहित कंप्यूटर एवं अंग्रेजी स्पोकन की विशेष व्यवस्था। संपर्क करें रणवीर कुमार झा 8051550121 AK झा 9472833513।